आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल साइंस स्किल पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका 14 तारीख को ही एग्जाम होने वाला हिंदी 50 नंबर का डिस्कस करने वाले हैं। तो 14 तारीख को होने वाला आपका पेपर है। उस हिंदी का कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आने का फुल गारंटी है वो हम आपके सामने ला रहे हैं। तो पहला व्याकरण का सेक्शन से आप देख पा रहे हैं 15 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। तो क्यों ना 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन आ रहा है किस किस पार्ट से आने वाले हैं। तो देखिए व्याकरण का तो हम अभी सेक्शन बताने वाले हैं आपको कि ये पार्ट को पढ़ के जाइए, लेकिन अब सवाल होता है कि कहाँ से पढ़े। तो आप चूंकि एग्जाम दे चुके हैं अभी 2019 का, फिजिक्स का पेपर दिए होंगे, अभी केमिस्ट्री का पेपर दिए होंगे, तो आपको इतना अंदाजा पता चल गया होगा कि क्वेश्चन आ कहाँ से रहे हैं। तो बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप चीजों को कहाँ कहाँ से पढ़िए। ये व्याकरण का जो हम दिए हुए यहाँ पे टॉपिक्स, तो इसको आप पूरे क्वेश्चन बैंक को देख लीजिए, चाहे जितना सभी विषय आया है, जितना मुहावरा आया है, सबको देख लीजिए। और दूसरा कि मॉडल पेपर जो बिहार बोर्ड द्वारा जारी होता है उससे ये सब टॉपिक्स को क्लियर करके जाइए, पढ़ के जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो चलिए व्याकरण का कौन कौन सा ऐसा पार्ट है, तो मुहावरा, संधि विच्छेद, विलोम, पर्यायवाची, अनेक शब्दों के एक शब्द, संज्ञा एक भेद, संज्ञा का मतलब है कि संज्ञा का पूरा परिभाषा और उसके कितने भेद होते हैं, भेदों का भी डेफिनेशन, सर्वनाम इनका भेद, विशेषण इनका भेद, काल इनके भेद, कारक वाक्य और इनके भेद। तो ये व्याकरण का सेक्शन है। अगर मान लेते हैं ये टॉपिक्स आपको नहीं मिलते हैं क्वेश्चन बैंक में, तो आप किताब से भी पढ़ के जाइए, क्योंकि सवाल ऐसे आते हैं संज्ञा के कितने भेद रहते हैं, सर्वनाम के कितने भेद हैं, चार ऑप्शन दिए जाते हैं, तो इसलिए चीजों को कन्फर्म होकर जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। नेक्स्ट है लेखक, कवि तथा इनकी रचना, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत हल्का सवाल है। आप किताब रखिए जो 50 नंबर वाला आपका सिलेबस का है, पूरा लेखक कवि और उनकी कौन कौन सी रचना है आप बिल्कुल सबको रट जाइए। 10 मार्क्स तो इससे फिक्स है, अगर आप सिर्फ रात को रटना मान लिया सुबह जाकर लिख दीजिए, देर आपका नंबर एकदम आ जाएगा। तो इसके इसको तुरंत कन्फर्म करना है, लेखक कवि तथा इनकी रचना। हो सकता है पूछ दे कि भारत माता ग्राम वासिनी के लेखक कौन है, या फिर ये पूछ दे कि क्या नाम था उसका, कोई भी रविंद्रनाथ ठाकुर की और कौन सी रचना है, तो ऐसे उनकी लाइफ से रिलेटेड सवाल आ सकती है। तो पूरा इसको कंफर्म कर लीजिएगा। फिर संक्षेपण, संक्षेपण 5 मार्क्स है, इसको आप तैयारी नहीं भी कीजिएगा तो इसमें हम आपको ये बताना चाहते हैं कि संक्षेपण का मतलब है कि कहानी जैसा दिया हुआ रहेगा और उसमें से जो इम्पोर्टेंट पात्र रहेगा उसको मतलब काट काट उसी में से छांट के छोटा कहानी बनाना है, यानी कि बड़ा जो कहानी है बड़ा पेड़ को कैसे छंटनी करते हैं उसको डाली को काट काट कर, सिर्फ संक्षेपण में करना है। बड़ा एक डाली दिया रहेगा, बड़ा एक पेड़ दिया रहेगा, उसका डाली को काट देना है, आपको जो मन करे उसको छाट दीजिए, लेकिन उसको काट छाट कर छोटा करना, दैट इज संक्षेपण। इसको आप तैयारी नहीं भी करके जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन समझ जाइए कि संक्षेपण में करना क्या होता है। नेक्स्ट निबंध और पत्र, निबंध में हम आपको देने वाले हैं कौन कौन से ऐसे निबंध है जिसका गारंटी है आने का। तो पहला आपका अखबार, दूसरा दहेज प्रथा, और आपका प्रिय कवि आ सकता है, त्योहार आ सकता है, शिक्षक आ सकते हैं, दूसरा आपका प्रिय कवि आ सकता है, आपका प्रिय त्योहार कौन सा है उसके बारे में आप उसका उस पर निबंध लिख सकते हैं, या फिर पत्र आ सकता है, अपने पिता के पास 1000 रुपये मांगने हैं तो हम प्रेस कर दिए हैं, लेकिन पत्र और भी तरह तरह के अलग अलग सिचुएशन लिखे जाते हैं, तो आप इन चीजों का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट रखते हैं सारांश, सारांश में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे और 5 मार्क्स में किसका किसका सारांश, तो पंच परमेश्वर का नाम का सारांश आ सकता है, इस पर आप इसको पढ़ के जाइए। जीवन का झरना कविता का सारांश, मंगल का चरित्र चित्रण और गौरा का चरित्र चित्रण, तो ये चार सामग्री है, सारांश है, ये चारों को पढ़ के जाइए। नेक्स्ट है भावार्थ जो कि 5 मार्क्स का आता है, तो 2 भावार्थ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला रहीमन में नर भर चुके और ये खाली स्थान का मतलब बीच में कुछ और है, जिनमुख निक्षर नहीं, तो पहला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा भारत भू एक स्वप्न भूकू पर लाने वाला, और इसका मतलब है कि बीच में कुछ और है, अंत में भू पर लाने वाला, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट बहुत क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास और टाइमिंग बचता है तो एक बार क्वेश्चन टाइम से पढ़ लीजिएगा चीज़ों को, और वैसे भी हिंदी है तो हम हिंदी वासियों को तो कहीं की कोई दिक्कत नहीं है, अपने जोर दो सके इधर उधर लिख सकते हैं, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है प्रश्न उत्तर, तो प्रश्न उत्तर में भी आप देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन बैंक पढ़े होंगे, तो कवि लेखक और इसकी रचना तो इतना इंपॉर्टेंट है हिंदी में कि बिल्कुल भूला नहीं जा सकता, तो हम बोल सकते हैं कि कवि लेखक और इनकी रचना को बिल्कुल एकदम रट्टा मार लीजिए बुक से। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो एक बार किताबों को पढ़ लीजिए, क्योंकि इसमें ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि कोई भी जैसे आप कहानी पढ़े हुए हैं
एग्जाम्पल तो ये जान रहे हैं कि पूरा कहानी ये पड़ा हुआ है, तो बीच में से कोई सा भी एक वर्ड का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसलिए हम बोल रहे हैं कि आपसे एक नंबर भी नहीं छूटे, तो आप अगर आपके पास बुक होगी तो एक बार देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये सारी चीज़ों को पढ़ ही जाइए, और बाकी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियो को देखने के लिए, और बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए। थैंक्स।